लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत कार्य करती नजर आ रही हैं और इसी के तहत भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस शासन काल में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इन घोटालों में कई प्रशासनिक अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी के अंदर होने को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लगभग 24 वर्ष हो गए हैं, 23 वर्ष उनके 24 वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के अंदर में एक बढ़ते हुए प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदेश के रूप में जिससे पहचान बनाई। देश की आजादी के 77 वर्षों में कांग्रेस की पहचान एक भ्रष्टाचारी शासन के रूप में हुई है। चाहे हम लगभग देश की आजादी के 58 वर्षों तक लगभग लगातार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय एक तरफा अपने हिसाब से कांग्रेस ने सरकारें चलाई क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था। किसानों की मसीहा बताने वाली भूपेश बघेल की सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं, और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया और एक अच्छे अंतर के साथ में, एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से बीजेपी की सरकार। पहली बार बीजेपी की सरकार होती है तो एक ऑप्शन रहता कि हम उनको मौका देना है, लेकिन 15 साल जिस प्रदेश की जनता ने हमको देखा था उनको ये विश्वास हुआ कि नहीं, बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाया, आम जनता की हमने काम किया है, फिर 5 साल के बाद रिपीट कर हमको वापस यहाँ पर मौका दिया। ये पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश की राजनीति में जो 77 साल या हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें, कांग्रेस ने जो सत्ता प्राप्त की है, सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार करके कमाने का जो काम किया है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जब जब भ्रष्टाचार की बात आती है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो कांग्रेस हमेशा से खड़ी हुई दिखाई देती है, साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ लगभग जो जनता है उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, उनके विश्वास जुड़े हुए हैं कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आगे बढ़े और देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ आ जाए, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजगार, यहाँ पर नौकरी, यहाँ पे तमाम प्रकार की चीजें उपलब्ध हो।